अरे का हुआ है इसे? कुछ नहीं हुआ इसे है, ये ससुरा पगला गया है ससुर के नाते है। सही कह रहे हैं आप, पूरा दिन दोस्तों के साथ दारू पीता रहता है, फिर कहता है बहू की आंखें डरावनी थी। शकल देखो अपनी हा? कितनी लाल हो गई हैं। इसको बहू की आंखें लाल नजर आती हैं। अरे हमरी शकल लाल नहीं है, उसने मार मार के लाल कर दी है। देखो हमरी शकल। अरे तेरी तो शकल ही नहीं, तेरी तो मार मार के गैर। मम्मा। अरे अरे मेरा मतलब है कि मैं ये कह रहा था भाग्यवान कि गोदाम में जाके देखो काम हुआ है कि नहीं। हाँ हाँ जा। अरे हमारी बातों का भरोसा कहाँ नहीं कर रहे हैं आप दोनों। भरोसा? अरे जाता है कि मारू निकाल के जूता। पता नहीं क्या हो गया है, कभी लाल हो गया कभी प्यार। अरे भाग्यवान अब ये का टुकुर टुकुर करके हमको देख रही हो आए? का कहे? अरे मेरा मतलब है कि अपने मधुर हाथों से हमको एक चाय तो पिला दीजिए ना। अच्छा लाते हैं। इसने तो गाल मार मार के लाल टमाटर जैसा सुझा दिया है। ये का हुआ बे तन्नू? वो कुछ नहीं, कल रात। हाँ हम समझे, कल रात भाभी एकदम पपिया ले लेके तुमको टमाटर की तरह लाल कर दिया है। अबे गुरु इससे ना एकदम पता चलता है कि भाभी जी कितनी हॉट और सेक्सी है। तुमको ना एकदम कुत्ते की तरह चाट डाली है। अब इस गोरे लाल को कैसे बताऊं, चाटा नहीं है, चाटा मार मार के लाल कर दिया है। का सोच रहे हो बे? अरे वो कुछ नहीं। अच्छा सुन ना, वो सामने वाली दुकान से बर्फ लेके आएगा क्या? अबे लगता है तुम्हारे अंदर ना बहुत गर्मी है, इसीलिए बर्फ खानी है तुमको है? अबे साले खानी नहीं लगानी है। ठीक है गुरु तुम बैठो यहीं, हम अभी जाके लेके आते हैं। अरे ये सुबह से गुब्बारे की तरह काहे फुला के बैठी हो? क्या कहा, क्या फुला के बैठे हैं? हम मुंडी बोल रहे हैं, सुंडी नहीं। और ये भैंस की तरह नाक काहे फुला रही है? हम तुमको भैंस नजर आते हैं? अरे भैंस का, तुम तो हमको डाइन लग रही हो, डाइन। ज्यादा बोले ना तो हम घर छोड़कर चले जाएंगे। हाँ कहती तो रहती हो, हिम्मत है तो करके दिखाओ ना। अच्छा भाग्यवान बात क्या है बताओ? कल रात बहू ने सच में तो नहीं पीटा उसे? तुम भी ना बहू पर ऐसे ही शक कर रही हो, जानती हो ना अपने मन्नू को। अरे शराब के नशे में बहू के साथ कबड्डी खेलते खेलते नीचे गिर गया होगा। कबड्डी खेलने से पिछवाड़ा लाल होता है, गाल नहीं। हमें तो लगता है बहू कुछ ज्यादा ही चालाक है, ये सब करके इस घर में अपना दबदबा बनाना चाहती है। मैं अभी उसे ठीक करती हूँ। और सुनो, कुछ भी हो जाए तुम अपनी जुबान नहीं खोलोगे, समझे? शादी के बाद तुमने कभी जुबान खोलने का मौका दिया है? Thank you.
अरे बहरी हो गई है क्या? कब से आवाज लगा रही हूँ? सुशीला शांत रहो। अरे मर गई क्या? लगता है इसके कान के नीचे एक देना पड़ेगा, तभी अकल ठिकाने आएगी। अरे ओ महारानी, कब से गला फाड़ रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? कल मुही हरामजादी, तू जानती नहीं है मुझे, गुंडों के खानदान की हूँ मैं। जब तक पान साथ के हाथ पांव नहीं तोड़ देती, खाना नहीं हजम होता मुझे। तेरी तो अरे भला ऐसे भी कोई करता है अपनी सास के साथ? क्यों बे पुन्नु? पुन्नु पान सिंह नाम है मेरा, पान सिंह, पुन्नु नहीं। अगर तू मेरे रास्ते आया ना तो मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। तमीज से बात करो, मैं बहुत खतरनाक किस्म का आदमी हूँ। माँ जी, बाबूजी, क्या हुआ आप लोगों को? हमारे पास मत आना, हमारे पास मत आना। बोला ना, पास मत आना। क्या हुआ आप लोगों को? पास मत आना। आप लोग इतना डरे क्यों हैं? तुम जाओ, गुंडों खानदान से तुम हो, जाओ ना। जाओ जाओ के चाकू उठाओ, देखते क्या हो, जाओ। यही डायलॉग उससे बोलो ना। अच्छा ठीक है, कुछ करते हैं। बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी? मेरे पास मत आना। इसने
तुझे जरूर भगा भगा कर मारा है ना? हाँ बेटा, ये हमारी बहू बहू नहीं है, इसने हमें मार मार के लाल नीला पीला कर दिया बेटा। नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं भला आपको क्यों पीटूंगी? हाँ, बहू ने हमें पीटा नहीं है, बल्कि कपड़ों की तरह पटक पटक के धोया है। नहीं नहीं, मैं कसम खा के कहती हूँ, मैंने इनको नहीं मारा। हमारी बातों पे तो यकीन ही नहीं था, जब आप लोगों को मारा तब यकीन हुआ। हाँ बेटा, कुछ कर। अरे तो चलो। हाँ चलिए चलिए। तन्नु और माता जी पाओ जी क्या कर रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें तो लगता है बहू पर किसी चुड़ैल का साया है। हाँ लगता तो ऐसे ही है, नहीं तो एक दुबली पतली औरत ऐसे पटक पटक के कैसे मारेगी हमको? किसी तांत्रिक को बुलाएं क्या? अरे किसी तांत्रिक को बुलाने से पहले ये पता करो कि सच में बहू पर किसी चुड़ैल का साया है कि नहीं। और हड्डियां तुड़वाने का शौक है क्या? मुझे तो लगता है बहू में चुड़ैल की ही आत्मा है। आप दोनों जाओ, मैं नहीं जाने वाली। बेटा आज रात को पता करो कि सच में बहू पर किसी आत्मा का साया है या हमें बेवकूफ बना रही है। हे, आज हम यहाँ खुद नहीं रुकने वाले हैं, आज हम खुद गोडाउन में सोएंगे। मैंने पहले ही कहा था ना, ये मेरी औलाद नहीं है। कैसा बेटा है तू, अपने माँ बाप को मुसीबत में छोड़कर जा रहा है? अरे तुझे 9 महीना अपने पेट में रखा है, कुछ तो शर्म कर। ए, अम्मा, अब आपके 9 महीने के चक्कर में हम अपने 25 साल की कुर्बानी दे दें क्या? हाँ? अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये मेरी औलाद हो ही नहीं सकता। ऐसे ही लगता है क्या?